हाय फ्रेंड, ये शीट जो है वो है कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स की और इसका टॉपिक है आर्चेस। आर्चेस के बारे में आप जानते हैं कि पहले इतनी हमारी सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उसका जो स्पैन होता था वो आर्चेस का ही बना होता था, क्योंकि जो आर्चेस होती हैं उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो अभी के जो हमारे स्पैन यूज़ होते हैं उनसे ज़्यादा होती है। और जो हमारे पहले स्ट्रक्चर भी थे वो काफ़ी बड़े होते थे और उनमें जो लोड होता था आज की जो बिल्डिंग्स है उसे ज़्यादा बियर कर देती थी। इस वजह से जो बिल्डिंग्स अभी तक हमारी खड़ी हुई हैं जो कि पुरानी है। चलिए कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं कि आर्चेस बनती कैसे। पहले हमारे ये यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर स्टेप स्टेप जो होता है हमारे आर्च के बाहर, जो हमारी जैसे कि सीढ़ियाँ इस टाइप की होती हैं उसी तरह हमारी ब्रिक वर्क की जाती है आर्चेस के बेस से पहले। उसके बाद जितनी भी हमारी फ्लोरिंग के लिए फिनिशिंग दी जाती है ब्रिक की उसे पेविंग बोलते हैं। देन उसके बाद जो हमारा बेस आता है जो हमारे पायर को सपोर्ट करता है एंड ऑल्सो ब्यूटिफाइड, मतलब दिखने में अच्छा भी लगाता है। जो पायर जो होता है वो हमारा जो आज टाइम में हम कॉलम बोलते हैं उसे हम पायर भी बोलते हैं। और जो हमारा जो लोड होता है जितना भी आर्चेस के ऊपर का स्ट्रक्चर का वो सारा अर्थ की तरह ट्रांसफर करता है, जो हमारी फाउंडेशन होती है उसमें ट्रांसफर करता है। एंड देन वी सी दैट जो पायर होता है उसके ऊपर हमारा इम्पोस्ट कंस्ट्रक्टेड होता है। जो इम्पोस्ट है हमारा वो है ये, जो कि हमारा बेस होता है आर्च का। जिस तरह हमारे पायर का बेस जो होता है वो ये है बेस, उसी तरह जो हमारी आर्च है उसका बेस जो होता है हमारा इम्पोस्ट होता है। देन इम्पोस्ट के ऊपर जितना भी हमारा ब्रिक वर्क किया जाता है आसपास जितने भी आर्च का उसे अबटमेंट बोलते हैं। अब जो आर्च जो हम क्रिएट करते हैं तो उसमें एक हाइट होती है, जिस हाइट तक जो आर्च जो होती है उसे हम बोलते हैं हॉन्च, मतलब उसका 1/4 या 1/3 जितनी भी हाइट होगी यहाँ तक यहीं पर एज्यूम कर सकते हैं वो स्ट्रेटनिंग होती है हॉन्च, जो कि हमारी जो आर्च होती है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने में हेल्प करती है। उसमें हमारा आता है फिर बाद में वोलिसोरस जो हमारी जितनी ब्रिक वर्क की जाती है आर्चेस के ऊपर उसे हम वोलिसोरस बोलते हैं, एज ए फेस भी बोल सकते हैं। एंड देन यहाँ पर आता है हमारा एक्स्ट्राडॉक्स जो हमारी थिकनेस होती है या फिर आउटर मोस्ट लेयर जो होती है हमारी उसकी अपवर्ड की तरफ से जितनी बाहर निकली होती है जो थिकनेस उसे एक्स्ट्राडॉक्स बोलते हैं। जो इंटीरियर सरफेस जो होता है हमारी आर्च का उसे हम बोलते हैं इंट्राडॉक्स। यू सी दैट द डिस्टेंस बिटवीन द जो हमारा ये स्पेस दिया होता है बीच में उसे हम स्पैन बोलते हैं, जिसके बीच में हमारा जो रेडियस है, जैसे हमारे यहाँ पर ये बना हुआ है सेमी सर्कुलर आर्च, तो जो रेडियस होगा या फिर जो हमारा स्पैन होगा उसका डिस्टेंस जो होगा वो होगा इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल और सेमी सर्कल। देन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा सॉफ्ट यूज़ करें, सॉफ्ट जो होता है हमारा जितना भी ब्रिक वर्क किया जाता है अपवर्ड जो हम देखेंगे अगर अंदर जाएंगे आर्च की तो ऊपर की तरफ जितना भी हमारा ब्रिक वर्क किया होता है इंटीरियर में उसे हम सॉफ्ट बोलते हैं। देन सी दैट देयर तो जितना भी फ्रंट में जितना भी ये ब्रिक वर्क किया जाता है या फिर आर्च का जितना भी फ्रंट वाला फेस जो होता है उसे हम फेस ही बोलते हैं एज यू नो दैट। एंड देन हम जितनी भी ये ब्रिक वर्क यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने 3 ब्रिक वर्क यूज़ करी हुई है तो ये जो रिंग्स कहते हैं इन्हें सबको, तो यहाँ पर 3 रिंग्स हो गई। यहाँ पर इस तरह यहाँ पर 3 रिंग्स यूज़ करी है नंबर ऑफ रिंग्स, यहाँ पर भी 3 नंबर ऑफ रिंग्स यूज़ करी है फेस पर। इसी तरह जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर एक आर्च बनाई है और यहाँ से आगे कंटिन्यू हो रही है आर्च, और बीच में जितने दोनों आर्च के बीच में इतना भी ब्रिक वर्क का स्पेस यहाँ पर जितना आएगा, जैसे यहाँ पर वी शेप आ रही है और बीच का इतना स्पेस है हम उस स्पेस को बोलते हैं स्पैंड्रिल। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारी आर्च बनाने की होती है जो है यहाँ पर ये की, जो की जो होती है कि हमारी जो आर्च होती है उसके एंड में लगती है बनाने के कंस्ट्रक्ट करते हुए, तो कि जो हमारी जो आर्च है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करती है और ऊपर से ये जो आर्च को टाइट अप करती है। इसलिए जो की है जो मास्टर थिंग जो है मास्टर माइंड जो है ये जो कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो आर्च की वो है ये की, जो की होती है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है हमारी आर्च बनाने की। अगर आप कोई शीट को लेकर कोई क्वेरी आर्च को लेकर तो आप मेरे ब्लॉग पर जाकर अपनी फीडबैक दे सकते हैं, इस पर मैं आपके और आगे आर्गूमेंट भी कर सकता हूँ या आपको जो सॉल्यूशन चाहिए उसके बारे में और वीडियोस क्रिएट कर सकता हूँ। आप मेरे यूट्यूब पर आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं जो कि है रोहित नाथ सिंह चौधरी। हाय फ्रेंड्स, आई एम रोहित नाथ सिंह चौधरी एंड यू ऑल्सो वॉच माई अदर वीडियोज ऑन यूट्यूब एंड देयर सम एग्जांपल ऑफ शीट्स आर ऑल्सो देयर, सो यू कैन सर्च माई अदर वीडियोज ऑन माई चैनल रोहित नाथ सिंह चौधरी on youtube.com।